नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं हूँ कविता। तो हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि मूर्ति टूटने के बाद वो खंडित हो जाती है और ऐसे में उसे घर में रखना और उसकी पूजा करना अशुभ फल लेकर आता है। और यही वजह है कि मूर्ति के टूटने के बाद या तो लोग उसे पानी में बहा देते हैं या फिर पेड़ के नीचे रख देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता है? इसके खंडित ना होने के पीछे क्या वजह है, आइए आपको बताते हैं अपनी इस वीडियो में। तो शिव को आदि अनादि कहा जाता है, यानी जिसका कोई अंत नहीं है। आज तक आप शिव की जिन तस्वीरों को देखते आ रहे हैं वो पूरी तरह से काल्पनिक है और शिवलिंग ही भगवान शिव का असली स्वरूप है, जिसका कोई आकार नहीं है और कोई रूप नहीं है। वह निरंकार लिंग के रूप में ही पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं और इसलिए शिवलिंग को खंडित नहीं माना जाता है। कहा यह भी जाता है कि अगर शिवलिंग बहुत ज्यादा भी टूट जाए तो भी इसकी पूजा की जा सकती है। इसी तरह की तमाम धार्मिक जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ।